इन दिस सेक्शन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्री राइडर प्रॉब्लम सो यू मस्ट भी थिंकिंग वॉट इज मट बाय अ फ्री राइडर प्रॉब्लम फ्री राइडर वो आदमी है या वो इंडिविजल है या वो कंपनी है जो कि ख़ुद तो कोई डेटा बाय नहीं करी किसी डेटा के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ लेकिन वो इस जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने डेटा सब्सक्राइब किया होता है डेटा सब्सक्राइब करने का मतलब है के वीव गॉट ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हर सेकंड के हिसाब से फाइनेंशियल डेटा जो क्रिएट हो रहा होता है रियल टाइम डेटा जैसे अभी आपको पता है अगर अगर रात है पाकिस्तान में तभी भी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होगी उस वक्त वहाँ दिन होता है तो डिफरेंट टाइम जोनस की वजह से डिफरेंट रीजनस की वजह से अगर कोई एक हिस्से में दुनिया के एक हिस्से में स्टॉक मार्केट में अगर छुट्टी है या वो बंद है या वो उस पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो दुनिया के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ उस वक्त भी ट्रेडिंग हो रही होती है तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम है कि वो डेटा को मेनटेन करते हैं वो इस तरह के इस तमाम बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स के ऊपर हर तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर स्टॉक मार्केट पे स्टॉक मार्केट के इंडेसेज के ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर बाइंग और सेलिंग की प्राइसेस किस कीमत पे दिन पूरे में क्लोज हुआ है क्लोजिंग रेट्स क्या थे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट स्टॉक्स के उस पूरे डेटा को वो मेंटेन करते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होती है और करंट डेटा अवेलेबल है जैसे ट्रेडिंग इस वक्त हो रही होगी और अभी इसी की बेसिस के ऊपर फिर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इस डेटा को सब्सक्राइब करते हैं काफ़ी सारा डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है लेकिन एट द सेम टाइम देर आर देर आर आ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स दैट हेल्प आस इन आइडेंटिफाइंग और अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसिज और द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डिफरेंट बिजनेस इन डिफरेंट सेक्टर्स उनकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के ऊपर ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ डेटा को मेंटेन करती हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज या इन्वेस्टमेंट हाउसेज जो होते हैं वो इस डेटा को सब्सक्राइब करते हैं ख़रीदते हैं तो जिस तरह से एक बड़ी फर्म बहुत से डेटा को ख़रीदने के बाद बिहेव करती है या वो डिसाइड करती है कि मुझे फलां सिक्योरिटीज़ को परचेस कर देना चाहिए फलां सिक्योरिटीज़ को बेच देना चाहिए तो इसको मॉनिटर करते हैं कोई और ऑर्गेनाइजेशंस कोई और कंपनियां कोई और एजेंट्स और जब वो देखते हैं कि इस किस्म की ख़रीद फ़रोख्त हो रही है उसको असेस करके फिर वो भी अपने फाइनेंशियल डिसीशनस उन्हीं डिसशनस की रोशनी में लेते हैं यहाँ फ्री राइडर प्रॉब्लम पैदा होता है का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक आदमी ने डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मगर वो वॉच करा है उस आदमी को उस इन्वेस्टर को उस उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को जिसने डेटा सब्सक्राइब की हुई है वो उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को वॉच करता है दूसरा आदमी या दूसरी कंपनी और वो देखती है कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एग्जैक्टली वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं ऐसा करने से क्या होता है उनके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को बाय करने के लिए उस कंपनी ने स्पेंड किए हुए हैं इन्वेस्ट किए थे जिस कंपनी ने डेटा को परचेज करा है तो दिस देर इज़ दिस इशू और प्रॉब्लम कॉल्ड फ्री राइडर प्रॉब्लम ये फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है मगर आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हम देख सकते हैं कि Uh, जो आपके ए समिट्री है उसमें कमी तो आती है लेकिन आपके जो डेटा बेसिस को मेंटेन करने वाले लोग हैं या जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इस तरह से नहीं जनरेट कर पा सकती जिसकी वजह से काफ़ी क्योंकि फ्री राइडर काफ़ी सारे मार्केट में एक्सेस करते हैं इंफॉमेसन को सेकेंडली इस फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से देर इज़ अनादर इशू के आपके जो मॉरल हैज़र्ड वाला जो इशू है या एडवर्स सिलेक्शन वाला इशू है वो भी नहीं हेल्प आउट हो सकता तो दिस इज एन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई एम गो टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम विद एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने uh, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करना है उसके लिए आपने uh, कुछ इंफॉर्मेशन को बाय किया है आपने इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पेमेंट किया है कोई फी देना पड़ता है और वो आपको जब आपने इन्फॉर्मेशन को बाय कर करके उसके लिए उस उसकी बेसिस के ऊपर डिसीशन मेकिंग की है तो देर मे बी एन इशू कि जिसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू का मार्जिन है जिससे आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर एग्जांपल फ़ोर परसेंट आपको इस इंफॉर्मेशन को बाय करने से आपको फोर परसेंट प्रॉफिट मिला है मगर इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी कॉस्टली है तो जब आप उस इन्फॉर्मेशन को बाय करने के लिए पैसे देने वाले हैं तो उससे आपकी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम जो एडवर्स सिलेक्शन का है या लेमन बाइंग का है लेमन्स में आप एंड अप हो सकते हैं आपका नुकसान हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बाई करने के लिए सब्सक्रिप्शन के चार्जेस देने पड़े हैं और तब आपने जो डिसीशन मेकिंग की है उसमें आपको लगा कि हमें ये बहुत प्रॉफिटेबल ऑप्शंस देखने को मिले बट यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू परचेज द इंफॉर्मेशन और सब्सक्राइब टू द वेरियस डेटा बेसिस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट सो जो फ्री राइडर है उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं देना पा इंफॉर्मेशन के लिए उसने पैसे नहीं दिए तो उसका जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट दैट विल भी लार्जर एज कंपेयर टू योर्स तो दिस इज एन इशू दैट हैज़ टू बी फेस्ड बाय द पीपल हु सब्सक्राइब टू Uh, or who pay subscription fee who who purchase the information in order to reduce the information asymmetries?